नंदन सनती कुमारा चार बेटाओं को जन्म दिया, लेकिन वो चारों बेटा महात्मा बन गए। फिर ब्रह्मा जी ने 10 बेटाओं को जन्म दिया। कौन से 10 बेटा थे? परितक्ष प्रभु जाए और नारदी पुलसी तुला कौन 10 बेटाओं को जन्म दिया? अत्रि वशिष्ठ दक्ष भृगु जाए नारद पुलस तुलास कहाए कृत्यं रामारी सुज्ञानी असो दसो नन सुंदर प्राणी। वो 10 बेटा महात्मा बन गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, जिस तरह से दीपक में घी डाल दो परीक्षित जी, बाती ना डालो तो दीपक नहीं जलेगा, इसी तरह से जब तक हमारे संसार में एक लड़की का जन्म नहीं होगा तब तक सृष्टि की रचना नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान के द्वारा एक लड़की का अवतार किया जिसका नाम सरस्वती रखा गया। और ब्रह्मा जी अपनी लड़की को देख करके मोहित हो गए, उनके मन में काम की भावना जागी, लेकिन वो लड़की बचाओ बचाओ की आवाज करती हुई शंकर जी के पास में पहुंची, बोली प्रभु तुम मेरी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी हैं, वो मेरे साथ में गलत व्यवहार करना चाहते, तुम ऐसा करो मेरी रक्षा करो। बोले बाबा समझा रहे हैं परम पिता हे परमेश्वर, अगर यही भाव बन जाएगा आगे के बाप बेटियों को और क्या भाव दिखलाएंगे। तुम्हें ये भी नहीं पता ये तुम्हारी लड़की है, लेकिन जो ब्रह्मा जी का 5वां सर था बड़े अपशब्द बोल रहा था, अपशब्द माने गंदे गंदे माने बड़े गलत शब्द बोल रहा था, उनको क्रोध आया, उन्होंने त्रिशूल लिया, 5वें सर को धर से अगल कर दिया। कितने सर रह गए? 4। 5वां सर भोले बाबा ने काटा था। अब इधर सोचने लगे अब कैसे सृष्टि की रचना करें, तो उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग किए, दाएं से लड़के का जन्म बाएं से लड़की का जन्म। जो लड़के का जन्म हुआ उसका नाम मनु रखा गया, जो लड़की का जन्म हुआ उसका नाम शत्रुपा। साम मनु शत्रुपा को आ दे दिया, जाओ तुम दोनों सृष्टि की रचना करो। अब इनके 3 लड़की हुई, 2 लड़का पैदा हुए। लड़की कौन? देवहूति आकृति प्रसूति, देवहूति कर्दम ऋषि महात्मा को ब्याई गई, आकृति दक्ष प्रजापति को, प्रसूति रुचि प्रजापति को। अब इनके 2 लड़का पैदा हुए, उत्तानपाद महाराज प्रिय व्रत। प्रिय व्रत ने देव ऋषि बाबा नारद का आदेश पाकर के जंगल में तपस्या करने चले गए। अयोध्या नगरी के राजा महाराज उत्तानपाद बनाए गए, जिनकी रानी का नाम सुनीति है,
बड़ी सुंदर विचारों वाली, सुंदर गुणों वाली, लेकिन